नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ में 1 दिसंबर से बदल जाएंगे 5 अहम नियम। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। वे 5 नियम कौन से हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर आपके साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। दरअसल 1 दिसंबर से कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहाँ एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी और बातों का ध्यान नहीं रखने पर नुकसान भी हो सकता है। इन बदलावों में गैस सिलेंडरों के दाम, मोबाइल टैरिफ, रेलवे का मेन्यू आदि शामिल है। तो हम आपको बताते हैं कि 1 दिसंबर से क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहले इसमें बदलाव होगा रसोई घर। रसोई घर 1 दिसंबर से रसोई घर सिलेंडर की कीमतें में बदलाव हो जा रहा है। इससे आम आदमी को बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले लगातार 3 महीने तक रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ, इसलिए हो सकता है दिसंबर में फिर आम आदमी को बड़ा झटका लगे। नवम्बर में देश के जो प्रमुख महानगरों में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर के करीब 76.5 रुपये महंगा हुआ था, और आज वही 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 1204 रुपये हो गई हैं। इसका दूसरा नियम ये बदला है कि जो लाइफ इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव। दिसंबर में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI 1 दिसंबर को लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नए नियम, इसका तीसरा बड़ा नियम में यह बदलाव हुआ कि मोबाइल पर बात करना हो सकता है महंगा। आज की दुनिया में मोबाइल सबके पास है, लेकिन जो आम आदमी की जेब पर इसका भारी बोझ पड़ सकता है। इस साल के आखिरी महीने में यानी कि 1 दिसंबर आज से आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ सकता है। दिसंबर से मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता के लिए कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। मतलब इसका साफ है कि जो टेलीकॉम कंपनी टैरिफ प्लान के दौरान दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। टेलीकॉम कंपनियां इसको लेकर पहले ही ऐलान कर चुकी है कि टेलीकॉम सेक्टर के जानकारों का कहना है कि 14 साल पुराने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों का देनदारी का दबाव बढ़ गया था, इसलिए कंपनियों ने टैरिफ प्लान के जो रेट्स है बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसका चौथा बड़ा नियम यह है कि अब ट्रेनों में चाय, नाश्ता और खाना होगा महंगा। ट्रेनों में चाय और खाना महंगा होने जा रहा है, यानी कि ट्रेन में चाय और भोजन के लिए अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इस संदर्भ में रेलवे बोर्ड में पर्यटन और खान पान विभाग के निर्देश की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया है। सर्कुलर के मुताबिक राजधानी शताब्दी और तुरंतो ट्रेनों में चाय, नाश्ता और खाना महंगा होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि इन ट्रेनों की टिकटें लेते वक्त चाय, नाश्ता और खाने का पैसा देना होगा। साथ ही दूसरी ट्रेनों के यात्रियों को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। नया मेन्यू और शुल्क दिसंबर में अपडेट हो जाएगा। इसका चौथा बड़ा नियम में ये बदलाव हुआ कि जो RBI घटा सकता है अपनी रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI एक बार फिर रेपो रेट 0.25% की कटौती कर रहा है। 3 से 5 दिसंबर तक चलने वाले MPC बैठक में रेपो रेट को घटाकर 4.90% की जा सकती है। सर्वे के मुताबिक अधिकतर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि घरेलू कर्ज की धीमी रफ्तार और कंपनियों के घटते मुनाफे की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार पकड़ने में समय लगेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।